रहे हो कि खुल के मदद की है। यहाँ जयप्रकाश के एक भी पोस्टर पे कुमारी सैलजा की फोटो तक देखने को नहीं मिली, कहाँ से आपकी? आप मैनिफेस्टो दिया है हुड्डा साहब ने, उस मैनिफेस्टो को लागू करेंगे, तो पूरे करेंगे। खुलेआम बोलती हूँ, उस मैनिफेस्टो का कोई औचित्य ही नहीं है, वो पार्टी की तरफ से थोड़े दिया गया है, वो तो एक किसी नेता की तरफ से दे दिया गया, उसका औचित्य स्वीकारने से खुद आप ही की पार्टी की बड़ी नेता कुमारी सैलजा मना कर देती है। तब मैं मारे गल नहीं पंगे की बीजेपी वाले कौन पूछते हैं, सारे सबसे पूछते हैं, अब बीजेपी वाले से पूछेंगे तो क्या कांग्रेस वालों से नहीं पूछेंगे? उनका सारे लठ बजा मारे, कोई किसी का रोड़ा को नहीं, सब एक है हम, केवल तुम्हारी फैलाई हुई बात है, तुम भी फैलानी छोड़ दो। नमस्कार, मैं हूँ अकिता सिंह और आप देख रहे हैं सटे बिग न्यूज़। भाई हिसार से जो है वो रिजल्ट दो तीन दिन पहले आ चुका है और नतीजा आपने देख लिया है कि जो सीट कांग्रेस के लिए फंसी हुई नजर आ रही थी वो जीत करके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, या जो भी यहाँ के स्थानीय नेता है उन्होंने जीत कर ये जीत कांग्रेस की झोली में डाल दिया। और आज जो है उसके बाद एक ये कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम में पहुंची हूँ जहाँ राजेंद्र सूरा हमारे साथ है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर मैं भाषण सुन रही थी, पिछले कई देर से जो है वो धोखेबाजों की जिक्र हो रहे हैं, कौन है वो धोखेबाज और अब की बार किस किस की जो है लंका लगने वाली है? ऐसा है, धोखेबाज सारे तो हमारे बरवाड़ा हल्के के लोगों को पता है और पता तो हमने भी है, पता हमारे हाईकमान ने भी है। वो धोखेबाज जो धोखेबाज वो होते हैं जो पार्टी में रह करके पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, जब समय आता है तो पार्टी को वोट ना दिलवा करके दूसरी पार्टी में वोट डलवाने का काम करते हैं, उनको धोखेबाज और गद्दार कहा जाता है। तो वो जो लोगों की बात आप कर रहे हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब आपको मेरे ज्यादा पता है, पत्रकार हैं आप, कमाल करते हैं, मेरे से क्यों कलवा रहे हो, ये बात सारे हल्के के लोगों को पता है, जिसने गलत करा है सबको पता है, उनका ऐसा इलाज तो हाईकमान करेगा इस बार। और भाई हाईकमान तो कई बार चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, अगर टिकट गलत दे दिया करते ना तो चौधरी चरण सिंह जाके ये कहा करते, लोगों मेरे से गलती होगी, मैंने गलत आदमी को टिकट दे दिया, आप इसको विधानसभा में मत भेजना। तो चौधरी चरण सिंह वाला फार्मूला बरवाड़ा में लागेगा गलत टिकट आएगी तो। अब की बार जो है टिकट वितरण में वैसे जब लोकसभा की टिकटें जब बटी तो दिखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है काफी उसमें चली, अब की बार विधानसभा में भी आप लोगों को उम्मीद है क्या कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उतनी ही चलने वाली अब की बार? अरे भूपेंद्र हुड्डा की नहीं चलेगी तो भाजपा वाले चलेगी, पार्टी के हमारे कुमारी सैलजा बोलती मैं भी सीनियर नहीं, सीनियर लीडर है हमारे सारे, आदरणीय नेता है और सभी की चलती है, ये केवल आप लोग भ्रम पैदा कर देते हो। अच्छा नहीं बताओ भूपेंद्र हुड्डा चली फिर सैलजा जी चुनाव लड़ रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारे जो सीनियर लीडर होंगे वो बैठ के फैसला करेंगे और जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे जिसकी छवि ठीक होगी, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होंगे, जो लोगों के बीच में रहेंगे और जो पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करते होंगे उन लोगों को टिकटें दी जाएंगी, लोग उनका साथ देंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। आज तमाम कांग्रेस के राजनीतिक जितने भी कार्यकर्ता है नेता सबको यहाँ देख पा रही हूँ, तो ये जश्न है जो आपने टिकट जो सीट यहाँ से निकाल दी है उसका, या तैयारी है आने वाले विधानसभा चुनाव की? दोनों बातें हैं, इसमें क्या झूठ है? एक तीर से दो निशाने, मतलब जश्न भी है, हमारी जीत हुई है उसका सभी साथियों को हमने मिल लिए जुल लिए और अगली तैयारी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, ये बिल्कुल सही है। हाँ जी, आगे भी जीत की तैयारी है, आगे भी जीत की तैयारी है। अब की बार क्या लग रहा है, अब की बार कितने, क्योंकि जो चुनाव 5 सीटें कांग्रेस लेकर के निकल गई है, कितना असर पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव से? अरे आप एक एक आप एक बात को सुनो, जो 10 साल का शासन चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का रहा, कांग्रेस का रहा, और 10 साल का शासन बीजेपी का खट्टर साहब का नायब जी का रहा जी। आप हम सबसे एक नम्र निवेदन करते हैं कि सोने से पहले दोनों के 10 साल के शासन को आपस में इनका कंपैरिजन कर लेना कि भाई किसके शासन में क्या हुआ और किसके शासन में क्या हुआ जी। भाजपा के शासन में तो मिलेगा भाई को भाई से लड़ा दिया, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर पूरे देश में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, हरियाणा युवाओं का प्रदेश है, इस प्रदेश के अंदर 38% बेरोजगारी, इन नकम्मे लोगों ने इस तरह का माहौल पैदा कर दिया, प्रदेश के अंदर भुखमरी की स्थिति लाके खड़ी कर दी, किसान को इन्होंने नहीं बख्शा, मजदूर को इन्होंने नहीं बख्शा, कर्मचारी को इन्होंने नहीं बख्शा, छोटे दुकानदार को इन्होंने नहीं बख्शा, युवाओं को इन्होंने नहीं बख्शा, महिलाओं को इन्होंने बलि चढ़ा दिया, इन्होंने तो कोई वर्ग नहीं छोड़ा। और ईब जो है ना लोकसभा में तो थोड़े से बच गए हैं, विधानसभा में तो ऐसा बुंडा रगड़ा लाओगे लोग इनका, मतलब बाट देखा जाए कि का चुनाव थोड़े से और आ जाए विधानसभा के और फिर इन घर बिठावा। अच्छा घर बिठावा, तो अब की बार कितना कितनी सीटें मान रहे हैं आप कि कितनी सीटें जो है कांग्रेस निकाल जाएगी यहाँ से? सीटें टिकट बटना के बाद कुछ नहीं, मेरा हमें 85 भी ले जा, 85 ये हालत है। जो सुनो
आज हमने ये एक संदेशा दिया टेलीफोनों पर व्हाट्सएप के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी थी जी। सभी भाइयों को आज एक बात देखो सब के सब साथी यहाँ पहुँच गया, हजारों साथी पहुँच गए, 1.5 क्विंटल लड्डू लेके आया था और 1.5 क्विंटल कम पड़ गए, 50 किलो लड्डू और मंगाए हैं। तो आप अंदाजा लगा लो कितने जीत के बाद भी इतनी कंजूसी चल रही है लड्डुओं के अंदर। कंजूसी नहीं है ये, हमने पता क्या था, हमने कहा व्हाट्सएप पर संदेशा दिया है तो ज्यादा से ज्यादा आ जाएंगे, 400-500 साथी जो एक्टिव वर्कर होंगे वो आ जाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ इन साथियों का कि ये तो मेरे गिनती में 2000 आए 3000 आए, तो इन सब का मैं शुक्रिया करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं इनके लिए खास तौर से हमारे बरवाड़ा हल्के के 36 बिरादरी के भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। आप अगर आते तो मैं खड़े इनके नाम सबके बताऊँ ना, एक्चुअल में 36 बिरादरी है जी। हम जो है जात पात में विश्वास नहीं रखते, हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं, मदद करने में विश्वास रखते हैं, और बीजेपी के लोग तोड़ने में विश्वास रखते हैं, जोड़ने में विश्वास नहीं रखते। बीजेपी के लोग झूठ बोलने में विश्वास रखते हैं, काम करने में विश्वास नहीं रखते। बीजेपी के लोग प्रदेश को पीछे धकेलने में विश्वास रखते हैं, आगे तरक्की की तरफ नहीं लेके जाते। एक नंबर पे होता था आर्थिक सिस्टम के हिसाब से जब हुड्डा साहब थे, और अब 10वें नंबर पर गया। तो आप ये बताओ इन्होंने कराया कि इन्होंने कर्जा और चढ़ा दिया प्रदेश के ऊपर, तो इनका तो होगा इलाज बढ़िया वाला। और कांग्रेस सत्ता में आएगी, लोगों के हित के काम करेंगे, जो हमने मैनिफेस्टो दिया है हुड्डा साहब ने और हमारे उदयवान जी ने, सब ने इकट्ठे होकर के उस मैनिफेस्टो को लागू करेंगे। पहले जो राहुल जी ने वादे करे थे वो पूरे करेंगे। खुलेआम बोलती हूँ, उस मैनिफेस्टो का कोई औचित्य ही नहीं है, वो पार्टी की तरफ से थोड़े दिया गया है, वो तो एक किसी नेता की तरफ से दे दिया गया, उसका औचित्य स्वीकारने से खुद आप ही की पार्टी की बड़ी नेता कुमारी सेलजा मना कर देती है। तब मैं मारे गल ये पंगे की बीजेपी वाले कौन पूछ रही है, सारे सबसे पूछते हैं, अब बीजेपी वाले से पूछेंगे तो क्या कांग्रेस वालों से नहीं पूछेंगे? उनका सारा लठ बजा मारा, कोई किसी का रोड़ा को नहीं, सब एक है हम, ये केवल तुम्हारी फैलाई हुई बात है, तुम भी फैलानी छोड़ दो। ये कह रहे जो सच्चाई दबेगी आपको लगता है? मैं कह रहा हूँ सच्चाई है ये। अब एक बात बताओ ना, हम सब मिलकर के उधर सरसा मदद करी, सब ने रोहतक मदद करी, सारे कार्यकर्ता हिसार में मदद करी, सारी सीटों पर सब कार्यकर्ता, सुनो ये प्रोटोकॉल ही नहीं समझते पार्टी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर और जो प्रदेश का वो होता है इंचार्ज जो हमारे बावरिया जी हैं, प्रोटोकॉल समझो पहले। आप इस बात को वैसे उठा रहे हो सारे के सारे मीडिया वाले कि उनकी फोटो नहीं, उनकी फोटो नहीं, प्रोटोकॉल होता है, पार्टी का सिस्टम होता है, पार्टी के सिस्टम के हिसाब से फोटो लगती है, ऐसे नहीं होता। आप ये समझो जब कुमारी सेलजा जी यहाँ की अध्यक्ष थी उनकी फोटो लगती थी, पार्टी का प्रोटोकॉल के मुताबिक फोटो लगेंगे। आप ये क्वेश्चन बंद करो उठाना, ये नहीं, ये प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं उठा रहे आप। सवाल ही कुमारी सेलजा के जो समर्थक उनकी नाराजगी नहीं, समर्थकों की नाराजगी उनकी अपने सिस्टम से होगी, लेकिन मैं तो प्रोटोकॉल बता सकता हूँ, प्रोटोकॉल है ये, उनकी वो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ की, उनकी फोटो लगती है छत्तीसगढ़ में जब वो जाती हैं हर प्रोग्राम में, हमारे यहाँ भावरिया जी प्रभारी हैं, भावरिया जी की लगती है, ये इशू नहीं है, इसको उठाना है बंद कर दो तुम्हें, क्योंकि ये प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं है ना, जो बात जेन्युइन हो उसको आप उठाओ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ, धन्यवाद, नमस्कार जी। तो ये थे सरीबिक न्यूज पर हमारे साथ राजेंद्र सूरा जी, जो आज जो है एक राजनीतिक कार्यक्रम इन्होंने किया है, और लगातार खैर सिलसिला जो है इसी तरीके से जारी रहेगा, इसी तरीके से राजनीतिक अपडेट सरीबिक न्यूज पर आपको दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइक और कमेंट कीजिए। नमस्कार।